रतलाम से खबर है जहां जिले की नामली पुलिस को रघुनाथगढ़ में बुजुर्ग महिला की हत्या के चार आरोपियों को 24 घंटे के भीतर पकड़ने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि रघुनाथगढ़ में पुराने रंजिश के चलते 66 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, उन्हें जला दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका मांगूबाई का गले और पेट पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाने और साक्ष्य मिटाने, शव के ऊपर पेट्रोल डालकर मृतका के शव को जलाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध कायम कर उन्हें जेल भेजा है। एक फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश जारी है। गले पे चाकू के निशान भी लगे क्योंकि वो पूरा जल गया था, तो उसके बाद में पीएम में जानकारी मिली कि गले पे भी चाकू मारा हुआ है और उसके बाद में उसको स्टैबिंग वुंड भी है। तो उसके आधार पे तत्काल उसके अंदर 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया और साथ ही साथ में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में यह पाया गया कि उन्हीं के गांव का एक कन्हैयालाल कीर करके जो लड़का है, जिसके पहले एक अतिक्रमण की हुई थी, उसकी जमीन थी जिसको अतिक्रमण हटवाने के लिए ये जो महिला है उसके बच्चे ने काफी उसको शिकायत विकायत करी थी, उसका अतिक्रमण हटवाया था, तब से इसके दिमाग में उसके खिलाफ में रंजिश थी। सामने आया कि उसके